नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर अपने नए वीडियो के साथ कॉन्वेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो कई बच्चों की डिमांड ये आ रही थी कि सर हम को एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, हमने लगभग 100 या 50 या 10 अगर एप्लीकेशन याद भी कर लिए, लेटर याद भी कर लिए, तो पेपर में अगर वो ना आया तो सर उसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो उस चीज को हमने सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, और चाहे दुनिया का कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, तो आपको चुटकी बजाते में आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो आज तक कभी नहीं बताएगी। तो वीडियो एंड तक देखना कि पूरा लेटर एप्लीकेशन किस तरीके से खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखो, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करो कि सर ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको दोबारा बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से एक लेटर या एक एप्लीकेशन को आप बड़े ही शॉर्ट तरीके में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज आपको याद रखना है कि जब एप्लीकेशन और लेटर आपका लिखा है तो उसमें कोई कितने वर्ड में लिखना ये नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रहे कि 50 वर्ड्स के ऊपर ये ना हो, ठीक है ना। वो चाहे एप्लीकेशन हो या लेटर हो, 50 वर्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके धीरे धीरे मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते बोर होगा तो वो कहीं ना कहीं गलतियां निकाल के आपके मार्क्स काट ही देगा। तो 50 वर्ड के ऊपर एप्लीकेशन या लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एक एप्लीकेशन को दिया है कि शाम को बुखार आ जाए, आ गया है किसी को, ठीक है ना। तो वो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखेगा 5 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है ना। कितने दिन के लिए? 5 दिन की छुट्टी के लिए वो अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखेगा, क्योंकि वह कल शाम को बीमार हो गया था, ठीक है ना। बड़े ही 2 लाइन का है, मैं आपको और बताता चलूंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखते रहिए, आते हैं सेम चलते हैं वीडियो पे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीमारी पत्र लिखना है ना। तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, ABC स्कूल, ठीक है। फिर एड्रेस, एड्रेस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद लोग क्या करते हैं, फिर इधर पन्ना खाली हो गया तो वहां से लिखना शुरू करते हैं। आपको वहां से लिखना, जहां पे आपने टू लिखा उसी की सीरियल लाइन में आपको यहां डालना है क्या, सर या मैम, ठीक है, सर या मैम, समझते जाइए। फिर उससे पहले क्या करना है आपको, यहां पे डालना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्या डालना है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, कि आपको किस बारे में छुट्टी चाहिए। तो बीमारी के लिए पांच दिन का अवकाश, ठीक है, ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपको डालना है, हाईलाइट करना है, कि जिससे एग्जामिनर को जल्दी पता चल सके कि ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो उसको इजिली पकड़ लेना है तुरंत, समझ जाइए आप लोग, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या है, सर या मैम हो गया, उसके बाद आपको डालना है सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली I beg to say that, ठीक है, say that, ये आपका कॉमन रहेगा। जितने भी एप्लीकेशन आप लिखेंगे उसमें आपका यहां दैट तक कॉमन ही रहेगा,
ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं करना है। दैट यानी मैं बड़े ही आदर के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट कमिंग स्कूल एट 5 days। कितने दिन भैया? 5 days। बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। यानी पिछली रात को मुझे बुखार आ गया था, इसलिए मैं 5 दिन स्कूल आने में असमर्थ हूं, ठीक है ना। सो प्लीज, अब सो का जो लेवल होगा वो दा के स्थान पे जैसे होगा, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर कितने दिन? 5 days। अब 5 डे का हो, 10 डे का हो, जैसा भी हो, इसलिए मुझे 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड, ठीक है, आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड, यानी आपकी महान दया होगी। Yours, obediently, XYZ, और यहां पे डेट डाल देंगे। हो गया आपका एप्लीकेशन। कोई दिक्कत आई? नहीं आई, समझ गए? बड़े ही शॉर्ट मेथड में आपको समझा दिया। अब जैसे कोई दूसरा एप्लीकेशन पूछ लिया गया, जैसे अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है कि जो हमारे स्कूल का वाटर टैंक है वो क्लीन नहीं है, तो उसमें भी क्या करना है, आपको दैट तक सेम ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेन प्रॉब्लम होती, मेन समस्या होती है, उसके बाद आप मेन समस्या लिखना है, ठीक है ना। फिर मेन समस्या आपकी लिखने के बाद आपको सो प्लीज रिक्वेस्ट यू टू गिव हिम परमिशन, यानी इसलिए आपसे निवेदन है कि यह काम करने की मुझे परमिशन दी जाए, ठीक है। ये आपका किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी मेथड पर काम पड़ जाएगा। जैसे आपका आ गया पिताजी बीमार है छुट्टी, सॉरी पिताजी की कंडीशन ये नहीं है कि फीस पेड कर सके, तो फीस माफी के लिए चाहिए, तो क्या लिखोगे? दैट तक आपका सेम ही रहेगा, दैट तक आपका सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या लिखना है, माई नेम इज फलाना फलाना, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई एम ऑलवेज फर्स्ट इन क्लास, यानी मैं हमेशा कक्षा में प्रथम आता हूं, ठीक है, बिकॉज आई डू हार्ड वर्क, क्योंकि मैं कठिन परिश्रम करता हूं। सो सर आई इंफॉर्म यू दैट आई कैन नॉट पे माई फुल फीस, बिकॉज मैं अपनी पूरी फीस अदा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इन दिस ईयर माय फादर सेड माय टोटली क्रॉप इज डिस्ट्रॉय, यानी मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, सो आई कैन नॉट पेड माय फीस, सो प्लीज ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी फीस माफ करने की कृपा करें। योर सेल बी हाईली ओबलाइज, आपकी महान दया होगी। फिर योर्स ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये रूल आप किसी भी एप्लीकेशन में फॉलो कर देंगे तो आपका इजीली तरीके से आपका कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।